हेलो गाइस गाइस ये चलिए स्टोरी टेलिंग अपनी अपनी स्टोरी सुनाई जा रही है। यहाँ पे सब बैठ गई है बुआएं हमारी और अपनी अपनी कहानियां सुना रही है। अभी आधी तो बाहर है, ये आधी बुआ है, दो तीन बुआ है, बाकी चार पांच यहाँ अमकड़ियां खा रही है। ठीक है बुआ भाई, ये नंबर है तेरा, बेड़ा वर्क तेरा, मेरे लगी नक्का सो गए, मुंह वाला चिमटा पकड़ना ढूंढ जा बुआ। ये है मेरे चाचू, हमें ना देखो बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ती, घर वाले सारा काम हैंडल कर लेते हैं, सारी शादी का सब कुछ ऑलमोस्ट इन्होंने ही हैंडल किया है। मैं आपको दिखाती हूँ खाने का सिस्टम वगैरह जो भी। ये हमारा पुराना घर है, ठीक है, तो ये देखो ये सब कुछ चाचू हैंडल कर रहे हैं मैक्सिमम। खाना आ गया, बहुत टेस्टी बनाया चाचू ने। हियर इज द बोटी, और ये बोटी भी हैं और हमारे घर के मेंबर भी हैं, सब कुछ हैंडल किया है उन्होंने, बहुत ही स्वाद। बुआया बुआया कैसी बनी है दाम? बहुत अच्छी है, बहुत। ये देखिए सामने, सो गाइस अभी तेल बुटने की रस्म हो रही है, ठीक है, और मेरी मैंने ये सूट पहना है, ठीक है, और मैंने बुआ को बोला था मेरा सूट आयरन कर दो, प्रेस कर दो, ठीक है, और सूट प्रेस हुआ है, पर यू कैन सी ये जल चुका है और ये बड़ा ही अजीब लग रहा है। अब दुपट्टे को ले लेके मेरी ना होगी इतनी गर्मी में, दैट इज़ व्हाट इट इज़। मैं और मेरा भाई इधर बैठे हैं, बहुत ही गर्मी है, वेरी एग्जॉस्टेड, गर्मी से हुआ बुरा हाल, तपती झुलसती गर्मी। इसके बाद हम रेडी रूडी होके अभी ये तेल तूल वाला काम करके, साउथ दाद गंदा तेल लाद गंदा, फिर बस इसके बाद दुल्हन रेडी होगी, हम सब रेडी होंगे और 8:30 पे हाँ उसके डांस ट्यून्स होगा, वो डलता लेडीज गाँव की मामियाँ चाचियाँ और जो भी भाभी हैं वो भी होती, सारी डांस डूंस करती हैं, और उसके बाद क्या होता है, बारात आती है 8:30 का टाइम है बारात का हमारी। अब देखते हैं बारात टाइमली पहुँचती है कि नहीं। आगे मारती चल एक्सपर्ट हूँ मैं, देखो बच्चे को सुला लेती हूँ, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, अपने बच्चे को सुला रहे हो तो। सो जैसा आई टोल्ड यू इन माई लास्ट व्लॉग की मैं स्वान हूँ, तो सबसे पहले मैं ही हर काम करूँगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मामू स्वान और घर की जितनी औरतें होती हैं सभी दुल्हन के पैरों में जाके पानी डालती हैं, है ना। तो सबसे आगे मैं जा रही हूँ यहाँ पे और मेरे पीछे बाकी सब आएंगे, घर की सबसे बड़ी जो है वो मेरी मातू हैं, तो मेरे बाद मातू आएंगे और बाकी सब ऐसे ऐसे। इसको ना 3 टाइम रिपीट करना होता है। तो ये यहाँ पे बुआ है हमारे, है ना, ये हिमाचली एक परंपरा और यू कैन सी हमारे कल्चर में ये चीज़ की जाती है। तो अभी आप देखो इसको सबसे पहले मैंने डाला, देखो ये कंसी है ना, फिर इसके बाद मेरी दादी, फिर वो सब डालेंगे, 3 टाइम हम रिपीट करेंगे। बाकी सब जो है यहाँ पे घर पे इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और इसके बाद जो घर की सबसे बड़ी औरत होती है वो दुल्हन की नज़र उतारती है, और यहाँ पे ये मेरे घर की सभी औरतें वर्सेस मेरी दादी के मतलब प्रिया बुआ के मामा वाले झमाकड़ा खेलते हैं इसमें एक दूसरे की, ऐसे थोड़ी मस्ती मस्ती में एक दूसरे की बेइज्जती होती है। जीजी हमारी चली गई है पार्लर रेडी होने और जीजा जी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। जीजा जी बोल, जीजा जी का बोलना ये है कि मर्द रेडी नहीं हुआ, चली फोन था भेजना नहीं है, पता नहीं कितने ना ये सब दिखते हैं। ताने जी आ चुके हैं, इनके कॉल्स तो आने पड़ेंगे। पल्लू जी ने अपना मेकअप का ये पिटारा खोला हुआ, एक बुआ हमारी तैयार होकर चली गई है और पल्लू अब थक गई है, बोलती मेरी बाजू में दर्द है। कुप्पू जी हमारी बोल रही है मैंने लाइट लाइट ही करना है, मैंने कुछ नहीं करना ज़्यादा, और मैं यहाँ पे द आर्टिस्ट बैठी हूँ। बहुत अच्छी बात है, ले करते हैं अभी यार प्लीज़।
तो मैं लेट हो गई थी, सभी को रेडी रेडी करते करते मैं एंड में जाके पहुंची हूँ। तो सभी पहुंच चुके थे, ब्राइड की एंट्री हो चुकी थी, बुआ जा चुके हैं यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो बस अभी वो क्लिप्स ऐड करूँगी और आपको अपना लुक भी दिखाऊँगी जो कि मैं दिखा नहीं पाई घर से आते टाइम, तो देखना भी। सो हेयर आई एम, ये है मेरा फुल लुक। मैंने वाइट कलर का लहंगा पहना था और छोटे छोटे से ये लाइट कर्ल्स किए थे, और पूरा ये जो होल लुक टुगेदर आया था बहुत ही अच्छा लगा था। मुझे खुद को लगा था मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। मैं दूल्हा दुल्हन की इतनी ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई क्योंकि कैमरा मैन बड़े ज़्यादा थे वहाँ पर, और थोड़ा सा होच पोच हो जा रहा था। तो ये है मेरी शर्मा फैमिली। हमारे घर वाले किसी को मौका नहीं देते, हम खुद ही इतना नाचते हैं, किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर यहाँ पे हम घर वापस जब आते हैं, वो सारी रस्में प्रॉपर शादी करने के लिए, तो यहाँ पे बुआ और बॉय के साथ थोड़ा थोड़ा मजाक चल रहा होता है और ऐसे ऐसे करके, बड़ा प्यारा सा मोमेंट है ये। यहाँ पे मेरे सारे घर वाले बैठे हैं, देख रहे हैं सब की अब आगे आगे क्या होता है, सब इंटरेस्टफुल। और ये ताने की मम्मी है, ये इमोशनल है, ये ऐसे ही रो पड़ते हैं, इनको ताने का याद आता है, मतलब कि सोचते हैं वो ताने के लिए कि ताने की भी शादी होगी, तो ऐसे ऐसे करके। फिर यहाँ पे दादू दादी, ये रस्म होती है, कुछ देते हैं हाथ में ना पानी कि दूध कुछ दोनों में से देते हैं, तो उस टाइम ना ये बोल रहे थे भाई कि और छोटा चम्मच लेना था। और यहाँ पे मेरे पापा और बुआ डिस्कशन कर रहे थे कि तान्या और आंचल को हम एक मंडप में शादी भी साथ करवा देंगे, इन्होंने सब कुछ साथ में ही तो किया है। इसके बाद जूता चोरने की रस्म की जाती है, और ओ माय गॉड गाइस, दूल्हे के जूते फट गए हैं हमारे पर बहुत ही ज़्यादा। बाप आगे देखना कैसे कैसे करके छीना छपटी भाग दौड़, यहाँ वहाँ गिर गए, किसी के सोने का कंगन टूट गया, आप आगे देखो बस। ये हमारे हिमाचल में रस्म होती है कि दूल्हे को सब ऐसे बिना पीछे देखे हुए बर्तन देते हैं और दूल्हे को लेने मिलते हैं। अभी हमने जूते का कार्यक्रम किया था अभी, हाँ, पर ये जो लड़के वाले जो सालियों का हक होता है वो छीन के ले गए, छीना छपटी करके जो, हाँ, लड़ लड़के युद्ध चल पड़ा था यहाँ पे, महायुद्ध महायुद्ध लमे पे पे लमे पे ये लोग बस।
दादा तू ताने दे क्या बनी हो? मैं टेबल बन गया हूं। टेबल बन गया ताने के? तानी का टेबल बन गया हूं मैं। ये देखो ये देखो ताने के नाने ताने की टेबल बना दी है। बढ़िया चल रहा है यहाँ पे कार्यक्रम। नींद नहीं है लोगों को और ये इतने ही खराब लोग हैं गाइस, अब क्या बताऊँ। ये लोगों को कोई चरम हया नहीं है। ये लवे इंस्टा नहीं है, यूट्यूब पे लाइव नहीं है, डलेगा ब्लॉग। ये लोग गिर गिर के पढ़ पढ़ के जूते ले रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये जो आप देख रहे हैं नोटा न्यूज़, बहुत ही चालाकी से जूते उठाए। वही तो यार, कोई फायदा नहीं। और ये हमारे साथ है विभीषण। ये ही प्लान ही नहीं का था, एग्जीक्यूट हमने किया। विभीषण यहाँ हमारे पार्टी के प्रवक्ता सब। देखो बात ऐसे है, घर से चोरी तब होती है जब घर पे विभीषण घर का भेदी लंका ढाए। वो सिम्मी सिम्मी ने कर दिया वो काम। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया। इसी में तो देर बैठी हुई है राजू। जो है अब यही है, आप देख सकते हैं लड़के वाले हमेशा मैं करते हैं जबकि वो गलत होते हैं। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप? हेलो अपने होश होवास में बोल रहा हूँ कि जूते हमने अपनी मेहनत से लिए हैं। छीना चपटी बोलते हैं इसको। छूट जा पीछे पीछे लग जा। देख सकते हैं ये हमारे घर के बड़े हैं, ये भी बोल रहे हैं। दादू बोलो बोलो बोलो। लड़कियों ने जो जूते लिए थे तो बरातियों ने छीना चपटी से जबरदस्ती ले गए। उल्टे हो जा उल्टे। कुछ बोलना चाहता है? नहीं 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 नहीं। क्या 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 बोल रहा था कोई थोड़ी देर पहले? क्या बोल रहा था कोई थोड़ी देर पहले? छीना नहीं गया इसको। मैंने इस हाथ से हमने सिर्फ यहां रख लिए गए, हमने सिर्फ अपने एक बचाया है ना। हां उसको छीन, जो आपने पहले किया था उसको छीनना बोल। अब छीन रहे हो अब आप छीनना। नहीं नहीं बोलते, कोशिश तो कर रहे हो। चलो ठीक है, शूज आपका। सोचुए खाके मिली आज को। सुनो 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 शूज शूज आपका शर्ट नहीं कैसे? ये टैक्ट होता है, इसको टैक्ट बोलते हैं। ना 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 ये नहीं देंगे, रुक जा ना यार। देखो सी ये टैक्सी में देखो सी ये टैक्सी। कुछ बोल ले कुछ बोल ले कुछ बोल ले शूज आपका। अब शूज रह गया आपके पास। शूज क्या बोलो? 50-50 बोलो। 50-50 ठीक है, तो 100 का 50 दे देंगे आपको पक्का। I have a trust issue with girls. Sorry. क्या करना, आपका पास्ट एक्सपीरियंस गलत रहा होगा। बस आप ऐसे नहीं होते। रखे तो आपके पास जाने से वर करने से कहता है कि हे प्रिय स्त्रियों की स्थिति अर्थात आपके बैठने का स्थान जो है पुरुष के वाम अंग होता है, आप किस कारण मेरे दाई ओर बैठी हो? मैंने आपके साथ बड़ा ही प्यार कर दे नक्के पर पे ये सिंदूर। शुभ बंदा क्या
अब ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट, मॉर्निंग में लड़की की विदाई होती है और सभी बहुत ऐसे, वैसे इंटरनली सब खुश होते हैं पर एक दुख होता है ना कि हमारी बेटी की विदाई हो रही है, तो हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेंटी थे इस टाइम। और मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं था, पर बुआ को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी शादी का पूरा व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि ये छोटी छोटी यादें होती हैं जो हम ज़िंदगी भर याद रखते हैं। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब तक मैं खुद से अपने अकाउंट पर जाकर वीडियोज़ डिलीट नहीं करूँगी वो डिलीट नहीं होंगी। और ये बुआ की बड़ी बहन, मेरी पूनम बुआ हैं, दादी हैं, सबने बहुत कंट्रोल किया था बुआ के आगे, पर स्टिल इतना नहीं हो पाया। और एंड में जैसे ही विदाई होती है, दादी मतलब प्रिया बुआ के जो मम्मी, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को होल्ड किया था, पर एंड में फिर वो रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। पर हम चाहते हैं बुआ आप हमेशा खुश रहो, बुआ बहुत अच्छे हैं और आपकी ऐसी ही लाइफ बहुत अच्छी चले। यहाँ पे विदाई होती है और जो भाई होते हैं वो बहन की गाड़ी को धक्का देते हैं, और आगे से माँ बाप जो होते हैं दुल्हन के, वो पैसे कॉइन्स फेंकते हैं। तो मेरे पापा तो बहुत ऐसे सेंटी हैं, रो पड़ते हैं किसी और की शादी में भी। और यहाँ पे जैसे ही गए वैसे ही दादी बहुत रोए, फिर दादी रोए और बुआ के जो चीट है उन्होंने दादी को हक करके फिर चुप करवाया, तो वेरी इमोशनल मोमेंट। सो गाइज दैट्स इट फॉर प्रिया बुआ शादी व्लॉग सीरीज़। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बुआ वी लव यू अ लॉट एंड सॉरी फॉर द डिले, आपके इन लॉज भी वेट कर रहे थे और हमारे घर वाले भी मतलब काफ़ी वेट कर रहे थे। तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगे, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय, टेक केयर।